हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है और इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक एक ट्रस्टेड बैंक है और ये LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 51% यानी 51% शेयर होल्डर है। तो आईडीबीआई बैंक पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। और इसमें जो भर्ती निकली है, दो पार्ट में भर्ती निकली हुई है, एक जो एग्जीक्यूटिव का पद है उसके लिए अलग से एडवर्टीजमेंट है और जो असिस्टेंट मैनेजर का पद है उसके लिए अलग से एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, आपको बतला दूं कि जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है वो जो भर्ती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है यानी संविदा के आधार पर भर्ती है, और जो असिस्टेंट मैनेजर का पद है उसमें आपका परमानेंट ज्वाइनिंग है। ठीक है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसमें भी आपको परमानेंट ज्वाइनिंग हो सकता है। और वहाँ पे परमानेंट ज्वाइनिंग का रूल है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको साल भर के लिए रखा जाएगा और 3 साल तक अगर आप कर लेते हैं, पूरा क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं 3 साल तक जॉब, तो आपका जो कंट्रोल बेसिस जॉब है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर के पद में बदल जाएगा। तो चलिए चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर का जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लेकिन उससे पहले एक मिनट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। और जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसके लिए हम अलग से नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, क्योंकि उसका जो अलग से क्राइटेरिया है और उसमें जो जॉब है आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, तो उसका एग्जामिनेशन का जो रूल है और एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसमें कुछ डिफरेंट है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, पार्ट वाइज आपको दोनों वीडियो बनाकर आपको दे दूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं जो ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है ये उसका एडवर्टीजमेंट है ऑफिशियल, और इसका लास्ट डेट 15 अप्रैल 2019 रखा गया है। इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक अभी एक्टिव नहीं किया गया है, जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिव हो जाता है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टोटल पोस्ट 500 है असिस्टेंट मैनेजर का, और ये जो पोस्ट है इसमें परमानेंट ज्वाइनिंग है, और एग्जीक्यूटिव वाला जो पोस्ट है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है लेकिन इसमें आपको परमानेंट ज्वाइनिंग है। ठीक है, यहाँ पे 500 टोटल पोस्ट है और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और 55% आपको SC ST और PWD वालों के लिए यहाँ पे रखा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ग्रेजुएट का डिग्री चाहिए आपको और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST और PWD के लिए 55% यहाँ पे रखा गया है, और एज यहाँ पे मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपको 28 वर्ष है, और मैक्सिमम एज लिमिट में यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आगे रिलैक्सेशन के बारे में भी हम देखेंगे। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो ऑनलाइन टेस्ट का जो अंदाजा वाला डेट है यहाँ पे 17 मई 2019 रखा गया है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट 500 है जैसा कि मैंने पहले बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे ये गया यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे 1 मार्च 2019 है, और अप्लीकेशन मस्ट भी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया नेपाल और जो भूटान के नागरिक हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए और ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आगे बढ़िएगा यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे एज मिल जाएगा आपको, एज यहाँ पे 1 मार्च 2019 को काउंट होगा, यहाँ पे 1 मार्च 2019 को एज काउंट होगा, अपना एज काउंट करके देख लीजिएगा, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रिमिनलियर के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे सभी प्रकार के रिलैक्सेशन है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए, और इस PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आपका पेमेंट जो है, जो एप्लीकेशन फी है यहाँ पे SC ST और PWD के लिए यहाँ पे 150 रुपया रखा गया है, और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको 700 रुपया एप्लीकेशन फी पे करना होगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा गया है कि ग्रेजुएशन चाहिए, और ऑल सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज इंडिविजुअल मार्कशीट, आपका जो मार्कशीट है ऑल सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज मार्कशीट चाहिए आपको, 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये सब वहाँ पे दिखाना होगा। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने काम किया है, तो उसका सैलरी स्लिप और जो भी रिलीविंग लेटर्स है वहाँ पे आपको दिखाना होगा, आपको प्रूफ देना होगा कि वर्क एक्सपीरियंस का जो प्रूफ है आपको वहाँ पे शो करना होगा। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा अगर आप वहाँ पे छूट लेना चाहते हैं तो। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है, जो लिंक ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है वो एक्टिव अभी तक नहीं हुआ है, और जो एग्जाम का डेट है वो टेंटेटिवली 17 मई 2019 रखा गया है।
यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस हो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे होगा, और जो ऑनलाइन टेस्ट का लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश होगा। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से आपको 60 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम 60 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 40 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 40 नंबर का, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से आपको 60 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का। ड्यूरेशन सभी का 2 घंटा रहेगा, यहाँ पे टाइमिंग रहेगा टेस्ट का। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कुछ नीचे देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे सबसे लास्ट में एनेक्सर वन में आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका डिटेल दिया गया है। अगर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हैदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में आपका सेंटर होगा। बिहार से बिलोंग करते हैं तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, ये सब आपको जो सिटी है यहाँ पे आपको शहर में आपको सेंटर मिलेगा, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। सभी का डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जो बताए हैं आपको असिस्टेंट मैनेजर वाला पोस्ट का डिटेल है, और जो आपको ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2019 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको उसका नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। ठीक है, और आपको बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव जो असिस्टेंट का पोस्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर देंगे, क्योंकि उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो वहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है कुछ वहाँ पे डिफरेंट है, तो उसे हम बढ़िया से वहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।